देवता प्रसन्न भय गदगद भय, क्यों? बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता बोले अब तो ब्याह के रसगुल्ला खबने आहा। सब देवता बरात की तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। जमराज का वाहन है भैंसा, लगो जमराज रगड़ में, आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं भैया। रगड़ में लगो बोलो शैंपू साबुन। भैंसा भी बोला सरकार आज का गड़बड़ हो गई। जमराज बोले कुछ गड़बड़ नहीं भाई, चुप खड़ा रहे। क्यों? आज जो हमने करिया से तुझे गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं, आकर गड़बड़ क्या? बोले आज बरात में चलना है। किसकी? भोले बाबा की। भैंसा भी बोलो रगड़ो रगड़ो हुजूर, खाल भलाऊं करे आवे, पर बरात में चलना है, आनंद आएगा। भैंसा बोला एक बात बताओ। क्या? बोले सबका विवाह होगा कि भोले बाबा का? जमराज बोला मतलब? बोले हम भी अब कुंवारे हैं। जमराज बोले चुप चुप, केवल तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा। एरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला सजने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करने लगे, भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़ को। लेकिन जी को ब्याह होने उनकी तरफ किसी की नजर नहीं, उनके रिश्तेदार है नहीं, ना भाभी ना भैया ना मताई ना बाप, अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गढ़ों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है? बोले बाबा बोले है तो है। बोले कम से कम तैयार तो हो जाओ। शंकर जी बोले कहा होना चलो। नंदी बोले जौन हिसाब के चलवे यहां कह रहे को वहां अपनी बिटिया नहीं देने, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें, कछु सज लो मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत नहीं, बार खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाल खुल गए थे। बोले इन्हीं को संभाल। सिवाही संभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट आही मोरे सवारा, जटा मुकुट आही मोरे। जटाओं को लिया शंकर जी के गणों ने, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा गजब हो गो भैया, अब लो मुकुट को काम तो खत्म हो गो। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। तो नंदी बोली ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात मौ के ऊपर हो। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भक्ते भक्ते गए 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी, मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। एक से सांप आए हाय हाय हाय। भृंगी बोल से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कैसे? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का, अही मोर अकुंडल। अकुंडल कैसे? शंकर जी के गण कुंडलों में भी ड्यूटी लगी, पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए। कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे, अब गजब करा भैया। ऐसा नहीं मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला, फिर नीचे हरा सांप तो हरा, फिर और नीचे तीन छल्ला में काला सांप तो काला। आहा गजब हो गया भैया। अब मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गया, पर भैया दूल्हा का मेकअप वाना भैया, ये मेकअप कैसा होता? बोले भूरा भूरा हो जाता है आदमी, तो मेकअप की क्या जरूरत है, ये तो पहले ही सफेद है। बोले नहीं नहीं पाउडर तो लगना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, भस्मी
लगाई नहीं थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद तो भस्म लगवे के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आनंद आ गया। अब संगी ने कहा, कहो भैया नंदी पाउडर भी गजब को होगा, अब का रह गया, उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भाई, बोले सब गड़बड़। बोले का? बोले शेरवानी नहीं पहरे। तो बोले बाबा, बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम्ब मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। तो जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ी है कि मृग चर्म में कौन बटन आती, जैसे ही लपेटी सो छूट गई। अमनंदी ने कहा क्या करें। बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ, पकड़े ही लावे पूरे ब्याह भर। तो श्रृंगी बोले कहीं उसका हाथ दर्द करने लगाओ, भर भावनन में कहूं एक छल्ला छूट गो, गड़बड़ बचाई की। अब क्या किया जाए? तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, कारो कारो ढाई हाथ को एक सांप ढूंढो, और सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेड़ के गांठी लगा दियो। सांप से बोले सुनो, पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा अब बढ़िया रहा भैया, बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवीत, मृग चर्म ऊपर से नाग बंधो, उस बीच बीच में सांप कमर में, ऐसा हो जाए अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा भी ऊपर से नीचे तक देख के बोले नंदी सच सच बताओ कैसे लग रहा है। नंदी बोले बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले मुच्ची। खूब आनंद। बाबा ने अपनी डमरू उठाई और डम 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 बजाना शुरू की। नंदी भंगी संगी सब प्रसन्न हो गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, जितने बराती आए थे जब उन्होंने दूल्हा को देखा बोले आए आए कहा ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा हैं। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में तो राय को तक नहीं मिल रही। तो एक इमरजेंसी बैठक भाई देवताओं की, सुनो आप राम कथा में राम विवाह पढ़ना, तो राम विवाह में पंगत बाद में भाई, पर देवताओं ने मीटिंग ली के जाते ही सबसे आगे चलेंगे देवताओं, पंगत पहले। बोले कहे? बोले अगर दूल्हे राजा की एंट्री हो गई तब बिना रसगुल्ला घले नहीं मानने लोग ना। तो देवता आगे, शंकर जी एकदम पीछे रह गए। तो नंदी से कहा नंदी चलें। हाँ, और रोज ये सीधे बैठते भोले बाबा, आज ब्याह है नंदी पे, आज उल्टे बैठ गए, सींग की जगह पूंछ पकड़े हैं उल्टे, मंथन करो ऐसी पकड़े पूंछ। नंदी ने कहा कि कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। बोले ब्याह में चल रहे क्या? नहीं, कई जो लफड़ा धरो एक ठिकिया। नारद जी बोले नंदी से तुम चुप रहो, चलन दो माए, जैसे तैसे तुम माने हैं। जो संस्कार पे देख रहे अगर उन्हें पूरा विवाह देखना हो तो कुछ देर में कट जाएगा, बागेश्वर धाम चैनल पे भी देख सकते हैं। विवाह तक की ही आज चर्चा करेंगे और कल राम जी का अवतरण है कथा में। कौन कौन आएगा हाथ उठाओ। हाँ, कल तो ये जो सामने खड़े हो जाते ना बगल के तंतन, अबे खाली है पंडाल, कल के बाद नहीं फिर जो है बच पाएगा, क्योंकि कल दिव्य दरबार भी लगना है। हाँ, तो सामने ना खड़े होके अगल बगल बैठ जाओ, करे बढ़िया खूब आनंद लो। बारात में भोले बाबा की बारात चली, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। बाबा ने डमरू उठाई, डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम।
भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। डमरू बाजे ताता दैया, 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 रंगी नाच ताता दैया, 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 नारद नाच ताता दैया, ताता दैया, ताता दैया, ताता दैया, शिव भी नाच ताता दैया, दैया, ताता दैया, ताता दैया, डमरू बाजे डमक डमक डुम डमक शंकर भोले शंभो बम शंकर बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले मेरे शंकर की बारात भोले बाबा की बारात मेरे शंकर की बारात भोले बाबा की बारात दोनों हाथ उठा करके चलो बारात में उठाओ दोनों हाँ। जब शंकर जी भी नाच रहे तुम इंदौर वाले बड़े होशियार हो। अगर बाबा के ब्याह में ना नचे ना तो अगली साल बिना ब्याह के रहे हो। डमरू बाजे डमक डमक डुम 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 डमक डमक नंदी नाच सब नच रहे थे उन्हें सोची हम ही डांस कर ले जो कमर में बंधा था ना तो सब तो नच रहे थे भोले बाबा नंदी श्रृंगी भृंगी तो जो नाग कमर में बंधा हुआ था उन्हें सोची हम ही दो ठुमका लगा ले और नचती नचतू खिसक पाओ खिसक के कोने में जाकर के नाचने लगा मेरे बाबा की बारात भोले दैया
बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हरि बोल। वरुण भी नाचे, भूत भी नाचे, प्रेत भी नाचे, ताता थैया, डमरू बाजे, डमक डमक डुम, 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 डमक दोनों हाथ उठा करके चलूं। नंदी ने कहा जरा एक बार मेकअप फिर से चेक कर लेने दो। और जब मेकअप देखा कि जो नाग बांध रखा था कमर में वो खिसक गया, अमृत छाल गिरी पड़ी है कोने में। नंदी लेकर आए नाग को, ढूंढा कि कहां गया, तब पता लगा कि ये कोने में डांस कर रहा नाग। तुमसे हमने कहा था ना तुम खिसकना मत। नाग हाथ जोड़ के बोला, श्रीमान बुरा मत मानो, सब नच रहे थे तो हमें भी डांस निकल आया। हमने सोचा अभी कौन कोई देख रहा है, भावने तो पढ़ नहीं रही, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में क्या दिक्कत है। नंदी ने कहा, ट्रायल में ही पूरी इज्जत बेइज्जत कर दी तुमने। नाग बोला, आई एम सॉरी। नंदी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो। फिर से कसा बांधा, बारात चली। बाबा थोड़ी दूर तक चले तो नंदी को पूछते, नंदी अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा भरे। नंदी बोले, सरकार जौन हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा भोले बाबा ने, काम करो जरा अपने वाले बाराती बुलाओ, अगर देवता चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी के बाराती कौन है? तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोन प्रेत पिसाच जोगी जमात बरनत नहीं भरे नंदी ने आवाज दी, हर हर भोले भू
भूत प्रीत जिन्द बेताल पिशाच सांकनी डाकनी चुलेल बैर बासन जितने हो बाबा की बारात जा रही आओ जितने मर घटा थे मर घटों से भूत भगे अलग अलग वैरायटी के भूत भारत के भूत आए अमेरिका के लंबे लंबे टाई लगा के भूत आए और साधु जी अमेरिका के भूत आए सो तो ठीक है भोले बाबा की बारात में काले 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 वेस्ट इंडीज के भी भूत आए छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे कद के चिंग चौंग चांग चौंग चमंग चौंग के चाइना के भूत आए और भारत के भी एक दो मरघटों के नहीं बहुत से मरघटों के मणिकर्णिका घाट के अनेक शमशानों के भूत आए बाबा की बरा सब भूत और बाबा ने इस पर लिखा भी बरात बड़ी विचित्र कौ मुखहीना विपुल मुख काहू बिनु पद कर कहू बहु पद बाहू विपुल नयन को नयन बिहीना और रिष्ट पोष को अति बाबा विश्वनाथ की बरात में जितने भूत आए सब अलग अलग वेराइट के बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कौ मुखहीन काउ के मोह है ही नहीं है मुख ही नहीं है बिना मुख को भूत चलो आ रहा गरो है ही नहीं है हाथ पांव भरे टुम टुम चलो आ रहा बेपोले मुख काहू एक जन के चार मोह पूरब को एक पश्चिम को एक उत्तर को एक दक्षिण को एक चार मोह अच्छा दिक्कत भूत है नहीं है दिक्कत है पत्तल डार बेबारे यहाँ के पूरब में डालिए कि पश्चिम में कौन से मुख मुखे हैं तो कौ का चार चार है तो कौ मुखहीन विपुल मुख काहू एक भूत बड़ो गजब को ऊ के दो आंखें हैं पर आंखें सामने नहीं लगी पाछे लगी उल्टो चल रहा एक भूत तो और गजब को ऊके आंखें ही आंखें लगी ऊपर भी अगल में भी बगल भी पूरे में सीसीटीवी लगवाए जो गजब को भूत एक भूत तो हद कर गई हाथ पांव है ही नहीं ड्राम सो लड़का चलो आ रहा नंदी के लग गो नंदी बोले कोवा बोले मैं आऊ भूत नंदी बोले कम से कम देख के तो चल बोले दिखाता ही हो तो ड्राम से लड़का तू होते गजब की बरात शंकर जी की बरात गजब की बरात एक भूत के पांव है ही नहीं हाथ ही हाथ है गेंद सो लड़का चलो आ रहा हमने परम पूज्य पाद श्री गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली मामा जी की कथा में सुना पड़ा है भारत के भूत तो अमेरिका के भूत आए सो भारत के भूत ने अमेरिका के भूतन की टाई देखी सो भारतीय भूत इंदौर को रहो ये आगे को लगो इंदौर को एक भूत अमेरिका के भूत की टाई पकड़ के टंग रहो हुए लगो जो झूला अच्छा टंगा तो ठीक है गरे में बटाई फंस गई बड़ी मुश्किल से प्राण छूटे बोले मरने के बाद भी मारेगा क्या और जो इंदौर का भूत था उसका नाम था चंगीला आओ, 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 आओ। राहुल ये इंदौर के आदमी का जब अमेरिका वाला भूत बोलो मरने के बाद भी मारोगे क्या भारतीय भूत बोलो जो तुम झूला क्यों लटकाए तो अमेरिका के भूत ने कहा यह झूला नहीं है दिस इज टाई ये टाई है टाई तुम लोग नहीं पहनते टाई बोले टाई से क्या होता बोले टाई विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति पहनता जो ग्रेजुएट होता पढ़ा लिखा भारतीय भूत हार जाए ऐसा तो हुआ नहीं आज तक कभी नहीं तो भारतीय भूत बोले हैं पगला हो तुम और बोले क्यों बोले ये कौन सी टाई है बोले आगे लटकाते हैं आगे की टाई है बोले हम लोग बैक टाई पहनते हैं तो पहले पर्दनियां चलो चुकरती कांच बांध के तो अपनी पाछे की पर्दनियां उन्हें उठाई बोले देख बैक टाई दिस इज बैक टाई गजब के भूत सबसे खतरनाक भूत आए वेस्टर्न बीच के करिया जब भी हंसत तबई पतो लगत को खड़ो है
बाकी तो लगन लगे दिस इज डेंजर एरिया, ब्लैक स्पॉट, काली जगह है। हाँ बाकी तो करिया ही करिया, चाइना के भूत हल्के हल्के से का होगा गए। भारत के एक भूत ने चाइना के भूत की नाक पकड़ ली, तो वो चाइना के भूत ने जैसे तैसे छुड़ाई, तो बोला कि नाक क्यों पकड़ी, बोले ट्राई कर रहे थे कि सबकी एक सी क्यों है। हाँ, शंकर जी के यहां आकर के सब प्रेतों ने प्रणाम किया। नाचेगा वह गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोले वचन विचित्र विधि। भैया भूत भले ही अलग अलग जगह के विचित्र आए, पर प्रेतों में इतना सामंजस्य के साथ लाइन से खड़े भूत लाइन से खड़े हुए। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, जस दूला हो तस बैनी बराता, जस वेद होए मग जाता, कौतुक भी वेद होए मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई, शंकर जी भी विचित्र हैं, भूत प्रेत भी सबके सब विचित्र हैं। बोलो सीताराम। अब बारात चली तो सबसे आगे भारतीय भूतों को किया, उसके पीछे चाइना मारना, पर ऑस्ट्रेलिया के भी लंबे लंबे आए होंगे उन्हें करो, सबसे लास्ट में वेस्टर्न रीज के भूत। तो वेस्टर्न रीज वालों ने पूछा कि हमें लास्ट में क्यों किया गया, बोले इसके बाद फिर खाली एरिया, सबसे लास्ट में उन्हें किया गया। बोले एक काम करना, तुम हंसते रहना। वेस्टर्न रीज वाले बोले क्यों, बोले कम से कम दांत दिखाते रहे, कहते भी को खड़ो है। बारात चली, सबसे पहले हिमबान के नगर में भगवान विष्णु आदि देवताओं की बारात गई। गांव के बाहर हिमबान ने स्वागत का पक्ष लगा रखा था, स्वागतवासी बैठे हुए थे। आहा हा हा, भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप। तो जितने नगरवासी थे बोले वाह कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ो सुंदर है। नारद जी ने सुन ली, नारद जी बोले जे दूल्हा नहीं ये तो बारात ही आए। तो गांव वाले बोले वाह जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर ना हुई है। नारद जी ने सर नीचे कर लो, बोले आऊ चाहू तो भाई साहब देख ली, हम का बता देंगे, तनक देव उनकी फ्लाइट लैंड करें, चाहू तो देखियो अपने हिसाब से। आगे चले, बारात का स्वागत हुआ, ऐरावत हाथी पर इंद्र आया, जमराज काले भैंसे पर बैठ कर आया, स्वागत वागत थे बरात के हो गए, अब समय आओ। तो नगर निकट बरात सुने आई, अपुर खरु भरु सो भा अधिकाई। नगर के निकट जब बरात आई तो शोभा बढ़ गई नगर की। ये हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखे अति भये सुखारी। सब नैनों से इस बारात को देख करके प्रसन्न हो गए। लेकिन तब तक शंकर जी की बारात आए, शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। हाँ धरो धीरा जो तारे सयाने, बालक सबले जीवो पराने, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भैया
94 नंबर दोहा के बाद की बालकांड की 5वीं 6वीं चौपाई पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे बालकांड में। जैसे ही शंकर जी की बरात नगर में आई, सो जितने हल्के हल्के लड़का बारे मिर्चवानी लें, पानी लें, फूल माला लें, गांव के खड़े थे। जैसे ही देखो भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डांकनी यक्ष गंदर आ रा 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 भगे सबरे लड़का माला आला फेंक के अपने अपने घरों में प्रवेश मकानों में कर गए, दरवाजे बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, कंबल ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले का बाबा रे, बोले निकलियो ना बरात है आई, जमराज है आई, जमराज दूल्हा नहीं दूल्हा, जम है पक्को जम। घर वाले बोले हैं तो खिड़की कौन खोले, एक खिड़की ना खोल दियो, भूत ही भूत है, भूत ही भूत। और पूज्य मामा जी ने एक गीत भी लिखा है महाराज जी, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप, अरे कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप, हाँ कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन। जो सयाने लोग हते उन्हें धीरज धरो, तनक मन में शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बारात पहुंची, जैसे तैसे करके सभा समझाओ, नारद जी ने समझाओ कोई दिक्कत नहीं, ये भूत आए हैं पर कंट्रोल में रहेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। यहां इस कथा में हमें एक बात करोड़ों की याद आ रही, भूत उसको सताते हैं जो शिव और राम के दर्शन नहीं कर पाते। शंकर जी के साथ भूत जरूर रहते हैं पर भूत सताते नहीं हैं, शिव जी की तो बारात में भूत भी आनंद दिलाते हैं। आहा हा हा हा, भैया बारात पहुंची, अब पंगत की टेम आई, सो देवता तो खा पी के निपट गए थे, अब शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले पहले हमारे रिश्तेदार ना खवाओ। हिमबान बोले महाराज तुम्हारे रिश्तेदार को, बोले जी नहीं बैठे भूत प्रीत साहब, रिश्तेदार हमारे। अब पंगत तो बैठ गई, परसवे बारे बड़े टेंशन में, सबसे पहले पत्तल मारो आओ, हाथ में पत्तल है पूरा, अब अचल गो जो गिद्ध भोज, बफर को हमने कहा गिद्ध भोज। पंगत बैठी, भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डांकनी यक्ष राक्षस गंधर्व सब लाइन से बैठ गए, लंबी लेन लग गई। अब पत्तल वारो खड़ो, पत्तल न डारे तो एक बूढ़े आदमी ने कहा पत्तल डार, बोले डारिए का, इनके भाई साहब के मुंह ही नहीं है, हो तो डाले, ऐसा भूत है जिसके मुख नहीं। तो भीतर से उस प्रेत ने आवाज आई उसके पेट से, तुझे क्या लेना देना पत्तल डार। अब वो डरा गया कि विचित्र भूत, पत्तल डारो आगे गए सही के चार मुख, पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में, पत्तल बारो अब बड़ो हैरान के चार मुंह में डारिए कि एक मुंह में चलत है कि तीनों बंद है। अब बड़ो हैरान, बड़ी मुश्किल से बूढ़े आदमी ने समझाया एक में डार। पंगत बैठ, भूतों को खवाया पिवाया, पवाया एक भूत बड़ो नाटकी निकलो इंदौर को चंगीला। इंदौर का एक प्रेत जिसका नाम चंगीलाल था, जिंदा जब था वो चंगीलाल के सब गौ बीच में से उठ गौ, उठ के उन्हें देखी कि इतने क्या खाना है बाल्टियों में आ रहा, थोड़ा थोड़ा धर रहे, सीधो पहुंच गौ जहां पूरा भंडारो बनो धरो थो। अब लाखन लोगों को भंडारा तो राय तो कौन थोड़ो मोड़ो बनो, तो एक कुंड बनो तो राय थे को। चंगीलाल ने कही जो यार स्विमिंग पूल अच्छो है, उसके जान जो कोनू नहाउ को कुंडा है सू डुब पड़ गो। हाँ तो जब हो गई कि जब एक बाल्टी में ले बे आऊ, उन्हें देखो कि चंगी लाल उतरात रहा है, तैरत रहा है राय ते में। तो उस व्यक्ति ने कहा तो पागल हो क्या, रायता है, बोले रायता है तब तो हम राय रहे, तब तो हम आनंद ले रहे। अरे बोले जी पीने के काम आता है, बोले हमें दोनों में आनंद, लोर भी रहे बीच बीच में पी भी रहे, हमें एक काम भरना ही कर रहे। आओ, आओ। और वो भी भूत भी बड़ा गजब को, हर बे नाक पकड़े डुबकी लगाए, हर हर महादेव।
और ऊपर कड़े आए सो फिर कहा एक बाल्टी और ले। आदमन ने देखो कही भी जे भूत गजब के आए। बड़ी मुश्किल से जब नारद जी ने समझा भैया रायतवाई में ना लोर बाहर निकल। चंगीलाल भी इंदौर को आदमी, दो मिनट में तो मानत नहीं है जैसे ये कथा में 7 बजे आउ सब चले। हाँ चंगीलाल भी इंदौर का आदमी, वो भी बोला के रुक जाओ घंटा को लोर ले। अब प्रेतों ने प्रसाद पाया। अब शंकर जी के पाने की बात है, लेकिन शंकर जी को जब भोजन करवाने गए तो दूल्हा के संग में तीन दूल्हा के भेष में तीन लोग। महाराज जी गौर करना, दूल्हा के भेष में तीन लोग और तीनों का भोजन अलग अलग। क्या शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, कंठ में भुजंग और स्वयं स्वयं भोले बाबा, चार बराती है संग में। दूल्हा के भेष में चार बराती संग, कितने? चार बराती, तीन अलग एक शंकर जी, तीन अलग लोग हैं एक शंकर जी स्वयं, चार बराती और सबका भोजन अलग अलग है। दूल्हा के भेष में चार बराती संग, अब भोजन क्या है इनके? अर्घ चाहता चंद्रमा, चारों के भोजन अलग अलग हैं। अर्घ चाहता चंद्रमा, भेंट चाहती गंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा अर्घ चाहता, गंगा भेंट चाहती, दूध भुजंग को लगता और बाबा को भंग लगती। बोलो हार हार। अच्छा शंकर जी के एक मुख नहीं है, कितने मुख हैं? पांच। कितने मुख हैं? एकानन चतुरानन पंचानन रारे। पंच आनन, पंच प्लस आनन बराबर पंचानन। बाबा के पांच मुख हैं। अब पांच मुख शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला है। काहे न मांगत भीख फिरे घर माही है मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के घर में मुख को बड़ा झमेला। कैसो? चतुरानन बाप। भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी कौन है? कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मोह हैं? तो चतुरानन बाप। और लड़का कौन काम को नहीं जो बाप से आगे ना निकले? सो पंचानन आप। शंकर जी के पांच मुख, चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत। एक इनके लड़का भाऊ के छह मुख हैं जिसका नाम है षड़ानन। तो चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत और चेला भी इनने ऐसो बनाओ सो दशानन चेला। चेला भी एक बनाओ सो वही दशानन। दशानन यानी रावण, ऊ के दस मो। तो काहे न मांगत भीख फिरे घर ही घर में मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला, बड़ा झमेला। आहा, क्या कहना। बारात की पंगत हो गई। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई कौन? बिटिया की माँ। बेटी की माँ आरती करने आई तो शंकर जी तो इनको भोले यहीं से कहा गया, इनका नाम भोले यहां से पड़ा। जरा सुनना। तो बिटिया की माँ आरती करने आई, आरती करने के लिए जैसे ही पहुंची आरती लेकर के सामने आई तो भूतन ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा 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 सासू में आई सासू। शंकर जी इतने भोले को उन्हें पता नहीं सासू माँ का क्या। बोले एक काम करो तुम ही और बांट के खा लो, हम पेट भरो। बताओ बताओ ऐसा कोई कहता है? शंकर जी के कान में कहा, बाबा बाबा सासू माँ आई, चिल्ला के हम पेट भरो, तुम उन्हें बांट के खा लो। नारद जी ने जब समझा, बाबा शांति रखो, कौन खावे पीवे की चीज नहीं, बिटिया की माँ है सासू माँ। अच्छा 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 काय के लिए? आरती, आरती करने आई है।
शंकर जी बोले उसमें क्या दिक्कत है, करना तो आना। बोले दिक्कत ही दिक्कत। देखो एक बात याद रखना, बर हो तो भोले बाबा जैसा। क्यों? संसार के बर अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में दो दिन में के लिए उधार गाड़ी, शेरवानी, सोना, चांदी को जाने क्या क्या लेकर के जाते हैं, बाद में सब बराबर हो जाते हैं क्योंकि दो दिन बाद सब वापस हो जाता है। लेकिन धन्य है भूत भावन महादेव, भोले बाबा ऐसे बर हैं जो हमेशा बराबर हैं। हाँ। बाबा हमारे ऐसे बर हैं जो हमेशा बराबर। ए हा ए हा कंचन थार सोहे बर पानी, परछन चली हंस हर सानी। ए हा बिकट भेष रोद्रही जब दे करने आई। आरती करने आई तो भूत प्रीतों ने बताया बाबा सासू में आई। सासू शंकर जी बोले हमें मतलब आरती करने आई है तो क्या करें। नारद जी बोले अबे लो उल्टे बैठे रहे, अब तो सीधे बैठो। अच्छा एक 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 विद्वान यहां पर ध्यान दे, शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, क्या कारण है? नंदी पर शिवजी ली इसीलिए उल्टे बैठे, बाकी दूल्हा जब बारात में जाता है तो सामने देख करके जाता है, भोले बाबा उल्टे देख करके गए। क्यों? क्योंकि बारात में राम जी आए हैं और जो राम की तरफ मुख देख करके चलता है वो कभी असफल नहीं होता है, जीवन उसका सफल होता है। रामायण के ज्ञाता जितने भी बैठे हैं, रामायण में दो सफल विवाह हैं, दो असफल विवाह हैं। हाँ। रामायण में राम जी का और शंकर जी का सफल विवाह है, रामायण में सूप नखा का और नारद जी का दोनों असफल विवाह है। इन दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे, शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए। एक करोड़ों की बात हम बताएं आप सबको, साधुओं हम इन बच्चों को हमेशा बोलते हैं, संसार को नचाने के लिए क्या बजाना, बजाना है तो गोविंद को रिझाने के लिए बजाना।